हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द पार्ट्स वर्ल्ड। और इस वाली वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ मेवा होटल एंड रिजॉर्ट, जो कि है सिक्किम में, और मैं खुद भी इसी होटल में रुका हुआ हूँ। तो ये इस होटल का रूम है। तो रूम का अगर दिखाया जाए तो टूर अगर यहाँ से स्टार्टिंग है और एक रूम ये यहाँ से रिसेप्शन से स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं। ऊपर चल के दिखाता हूँ, फिर करूँगा स्टेयर से आते आते स्टेयर के आपको दिख जाएगा यहाँ से व्यू पूरा। और ये डार्जिलिंग का व्यू तो यार वैसे ही मस्त है। ऐसा ऊपर से ऐसा एक रूम मिल जाए जिसके बाहर ही ऐसे व्यू आ रहा हो। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं, रूम दिखाता हूँ। तो अभी मैंने रूम का पता किया, तो रूम इस फ्लोर पर जो है सारे पैक है, वरना मैं रूम से भी आपको एक बार व्यू दिखाता। और जैसे मैंने नीचे रूम टूर दे दिया वो वाला, और यहाँ से आपको व्यू कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये आपको इस होटल से पूरा व्यू मिलने वाला है। और ये सामने यार कितना अच्छा लग रहा है, मतलब व्यू काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा है। इधर सो दिस इज वेयर रेस्टोरेंट, यहाँ पर बैठ के अपना डिनर और लंच एंजॉय कर सकते हैं। और ये इनका रेस्टोरेंट है, और यहाँ मेरे को इनका ये काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी उन्होंने काफ़ी अच्छा बना रखा है। तो अभी इनसे मैंने इनका कार्ड ले लिया है, और ये कुछ इनका कार्ड है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना ये नाम लेके। और किसी को अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो नंबर ये वाले है, पीछे वाले ये वाले नहीं है। ये इनका मैंने कार्ड ले लिया, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अभी मैं सेकेंड डे आया हूँ इस वाली प्रॉपर्टी पे इनकी। और इससे पहले जो मैंने दिखाया था वो इनका जो था वो गैंगटॉक सिटी में था वो वाला, और ये भी होटल है इनका, ये थोड़ा सा ओवरब्रिज लोकेशन पे। और अभी मैं इस टाइम पे आया हूँ ताकि थोड़ा सा व्यू भी दिख सके आगे पीछे का। कल जो थी रात हो गई थी तो मैंने दिखाया नहीं। और इसके अगर बात की जाए तो होटल में आपको यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगी बिल्कुल सेफ, एकदम शेड के नीचे जब मैंने जब बाइक यहीं पर लगा रखी है। और ये यहाँ से एंट्री है, रूम दिखा दूँ एक बार। तो रूम यहाँ से ऊपर चल के दिखाते हैं, और मैं यहाँ से ऊपर वाला रूम दिखाने वाला हूँ जहाँ से व्यू भी दिखाऊंगा। व्यू जो है सीधा ऊपर चल के दिखाता हूँ। अभी स्टेयर से मैं ऊपर आ चुका हूँ, और ऊपर की अगर बात की जाए तो ये यहाँ से इन्होंने पूरा ओपन रख रखा है। जहाँ से ये वाला जो होटल है ये काफ़ी इनके हाइट पे है, सिटी से ऊपर है। और यहाँ से क्या व्यू दिखेगा आपको। अब रूम दिखा दूँ तो ये रूम है वो, दिस इज़ 4-person रूम। यहाँ पे टीवी मिल जाता है। एंड बाथरूम अगर दिखाऊँ तो ये बाथरूम है, और आपको कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए ये सब मिल जाएगा। अब मैं दिखाऊँ मेन चीज़, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस होटल, ये बेड के साथ में आपको मिलने वाला ये व्यू सीधा बाहर का। सो दिस इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। एंड मैं इनका जो है इनकी कंपनी का नाम जो है मैं पूरा सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, नाम लोकेशन सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कॉन्टेक्ट इनसे करके सब पता कर सकते हो, इनकी लोकेशन या फिर आपको कोई भी डाउट हो
रेट वगैरह कुछ भी आपको पूछना हो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। और मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का ये व्यू देखने के बाद। तो रूम दिखाने के बाद अब मैं दिखाऊँ अगर इनका रेस्टोरेंट इन हाउस तो इनका रेस्टोरेंट है तो ये इनका इन्होंने रेस्टोरेंट बना रखा है और यहाँ पे लंच लंच नहीं सॉरी ब्रेकफास्ट का यहाँ पे बुफे सिस्टम रहता है। एंड ये कितना अच्छा लगेगा कि यहाँ पे हम बैठ कर खाना खा रहे हैं बाहर से भी व्यू दिख रहा है। पूरा वॉक अराउंड दिखा देता हूँ और पूरा होटल इनका भीड़ से भरा हुआ। तो इस प्रॉपर्टी का मैं एक बार आपको अगर विजिटिंग कार्ड दिखा दूँ तो दिस इज द कार्ड और आप इसका वीडियो को पॉज करके इनका नंबर ले सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हेलो गाइस अभी मैं दिखा रहा हूँ नेवा होटल एंड रिजॉर्ट की थर्ड प्रॉपर्टी जो सिटी से थोड़ा सा नीचे के एरिया में है। एंड दिस होटल ओमकार नेवा होटल एंड रिजॉर्ट एंड ये इस होटल की एंट्रेंस है। इधर पूरी पार्किंग की भी फैसिलिटी है और ये रिसेप्शन एरिया है पूरा लॉबी। अब स्टेयर से एक बार ऊपर चलते हैं ऊपर चल के मैं रूम दिखा देता हूँ लेकिन नहीं रूम से पहले एक बार दिखाते हैं पहले इनका रेस्टोरेंट जो इन हाउस इनका रेस्टोरेंट है। तो अभी मैं इनके रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ जो कि इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे बिल्ड कर रखा है और ये पूरा एरिया जहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हैं और वैसे आपको जो है आपका डिनर ब्रेकफास्ट जो है वो आपके रूम में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अब ऊपर चल के एक बार रूम दिखा देता हूँ। तो अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ रूम के बाहर खड़ा हूँ और रूम की अगर बात कर ली जाए तो ऐसा आपको रूम में देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी डिसेंट प्रॉपर्टी है। दिस इज थर्ड पर्सन रूम एंड ये आपको एरिया मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हैं। एंड दिस इज वॉशरूम। तो काफ़ी अच्छा रूम है और बाहर से एक बार व्यू दिखा दूँ तो इस व्यू को भी इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे भी बैठ सकते हो। ये पूरा इन्होंने इधर भी बैठने का अरेंजमेंट कर रखा है। बाहर से आपको ये व्यू दिख जाएगा पूरा गैंगटॉक का। और ये एक और रूम दिखा दूँ तो ये टू पर्सन रूम है इसके तो सीधा बाहर ही विंडो दे रखी है। एंड अगेन लगेज रूम टीवी मिरर देखने को मिल जाएगा। तो अभी एक और रूम दिखाने जा रहा हूँ मैं। तो दिस इज डबल बेड देन अगेन सिंगल बेड एंड दिस बोथ आर सिंगल बेड। तो दिस इज 5 पर्सन रूम एंड अगेन हियर इज अ मिरर वॉशरूम विंडो नेक्स्ट टू द बेड। अगेन यू कैन एंजॉय द व्यू एंड लगेज एरिया। ये काफ़ी अच्छा रूम है ये वाला। और अभी ये जो रूम है ये ऑक्यूपाइड है तो अभी कुछ गेस्ट अभी आए थे और आके चले गए। तो यही रूम था इनका भी मैं अभी एक कार्ड दिखा देता हूँ और नंबर सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी मैंने इनसे इनके प्रॉपर्टी का कार्ड भी ले लिया है। तो ये इनका कार्ड है अगेन मेवा होटल एंड रिजॉर्ट होटल ओमकार और नंबर जो है पीछे लिख रखे हैं इसका आप फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो। एंड ये वाला जो होटल है ये है तादोंग में। यहाँ से मैं नीचे देख रहा था ये होटल पूरा मार्केट एरिया में मिल जाएगा आपको और टैक्सी वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्लस सामने ये व्यू तो दिखना ही है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये मैंने इनकी दोनों प्रॉपर्टीज दिखा दी हैं और ऐसी मैं जगह आपके लिए लाता रहूँगा और वो सब देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं अगले एक बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय।